दर्शकों, कृतिवासी रामायण के अनुसार अहिरावण और महिरावण लंकापति रावण के ही भाई थे। अहिरावण ने रावण के कहने पर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें पाताल लोक लेकर चला गया था। अहिरावण अपने दोस्तों के कहने के आधार पर राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था। वो अपनी आराध्य देवी महामाया के सामने दोनों भाइयों यानी राम और लक्ष्मण को समर्पित करना चाहता था, लेकिन भगवान हनुमान ने अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को बचाया था। आइए जानते हैं क्या है अहिरावण की कहानी। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। राम के साथ युद्ध के दौरान जब रावण का बेटा मेघनाद मार दिया गया, तब उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। पाताल के स्वामी अहिरावण ने अपने भाई को मदद करने का वचन दिया था, लेकिन रावण और अहिरावण के बीच हुई इस वार्तालाप को विभीषण ने सुन लिया था और राम को इस बारे में सूचित कर दिया। भगवान हनुमान को भी इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद का मार्ग भी सरल नहीं था। तभी हनुमान जी की मुलाकात पाताल लोक में चंद्रसेना से हुई। अहिरावण को मारने का राज जानने के लिए हनुमान जी ने नागकन्या चंद्रसेना की मदद का सहारा लिया। नागकन्या चंद्रसेना राम पर मोहित थी, वह उनसे विवाह करना चाहती थी। इसी कारण उन्होंने हनुमान जी को शर्त सहित अहिरावण की मृत्यु का राज बताया। दरअसल नागकन्या चंद्रसेना विष्णु जी की भक्त थी, इसी कारण उनके अवतार राम पर मोहित थी। इसके बाद उधर हनुमान जी से कहा गया था कि राम लक्ष्मण की कुटिया में किसी को अंदर नहीं जाने देना है। अहिरावण ने कई प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आखिरकार अहिरावण ने विभीषण का रूप धर लिया और फिर हनुमान जी ने उन्हें कुटिया के भीतर जाने दिया। अहिरावण तेजी के साथ कुटिया के भीतर चला गया और सोते हुए राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। और जब कुछ समय बाद हनुमान जी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और जब उन्होंने कुटिया में देखा तो पाया कि राम लक्ष्मण गायब थे, वो तुरंत विभीषण के पास गए। विभीषण तुरंत समझ गए और उन्होंने कहा कि जरूर राम लक्ष्मण को अहिरावण ले गया होगा। आशंकित विभीषण ने हनुमान जी को ये भी चेताया कि अगर वो जल्द ही पाताल लोक नहीं पहुंचे तो राम लक्ष्मण की बलि भी दी जा सकती है। विभीषण की बात सुनकर हनुमान जी तुरंत पाताल लोक के लिए निकल गए। पाताल के दरवाजे पर हनुमान जी को एक द्वारपाल मिला जो आधे वानर और आधे मगरमच्छ के स्वरूप में था। उसने अपना परिचय मकरध्वज के रूप में दिया और हनुमान जी से कहा कि मैं आपका बेटा हूँ। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और जवाब दिया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा कोई बेटा नहीं है। तब मकरध्वज ने बताया कि जब आप अशोक वाटिका में सीता माता के पास गए थे, तब समुद्र लांघते समय वीरे की बूंद एक मगरमच्छ के मुंह में पड़ी, जिससे मेरा जन्म हुआ। मकरध्वज ने कहा कि अगर आपको अंदर जाना है तो मुझे पहले युद्ध में हराना पड़ेगा। लंबे युद्ध में अपने बेटे को हराने के बाद हनुमान जी पाताल लोक के भीतर पहुंचे। हनुमान जी अब अहिरावण और महिरावण के क्षेत्र में घुस गए थे। उन्हें एक बड़ी सेना का मुकाबला करना था, लेकिन उन्हें मकरध्वज ने बताया था कि अगर आपको पूरी सेना को खत्म करना होगा तो किसी विशिष्ट जगह रखे 5 दीपक को एक साथ बुझाना होगा और उसके बाद पूरी सेना स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। हनुमान जी ने 5 मुख वाला रूप धारण किया, जिसे पंचमुखी हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। 5ों दिशाओं में रखे दीपक उन्होंने एक बार में बुझाए थे और फिर अहिरावण और महिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए। युद्ध के बाद नागकन्या चंद्रसेना ने मायाजाल फैलाया। वे राम को माया की पलंग पर बैठाना चाहती थी। वह मायाजाल में ही वरमाला पहनाना चाहती थी। और तभी हनुमान जी फिर से संकट मोचन बने। उन्होंने भवरे का रूप धरकर पलंग को काट दिया और इसके साथ ही नागकन्या चंद्रसेना का मायाजाल खत्म हो गया। चंद्रसेना इससे बहुत क्रुद्ध हुई। उन्होंने हनुमान जी को श्राप देना चाहा। तब श्री राम ने नागकन्या चंद्रसेना से हनुमान को माफ करने को कहा, साथ ही अपने एक पत्नीव्रती होने का संकल्प दोहराया। इसके बाद नागकन्या चंद्रसेना को वचन दिया कि द्वापर में उनसे विवाह करेंगे और फिर वही नागकन्या चंद्रसेना
सत्यभामा रूप में श्री कृष्ण की पत्नी बनी थी। अर्थात यदि हनुमान जी समय पर मदद नहीं करते तो नाग कन्या चंद्रसेना होती श्री राम की दूसरी पत्नी। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।